उत्तर प्रदेश के महोबा में शादी के महज 9 माह बाद दहेज के दानवों द्वारा 22 वर्षीय नवविवाहिता को जिंदा जलाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतका के परिजनों ने पति, सास, ससुर, देवर और नंदोई पर दहेज की खातिर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के लिलवाही गाँव के रहने वाले अशोक का विवाह नर्मदा से 9 माह पूर्व हुआ था। हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा क्षेत्र में रहने वाली नर्मदा का जब विवाह हुआ तो उसके पिता ने अपने समर्थ से उसे दान दहेज देकर विदा किया था, पर पिता को क्या पता था कि महज 9 माह बाद ही उसे उसकी बेटी की मौत की खबर मिलेगी। दरअसल शादी के कुछ दिनों बाद ही से ही पति अशोक और उसके परिजन दहेज में 1 लाख रुपया और बाइक और सोने की चेन की मांग पर उतारू हो गए थे। दहेज के लिए उसके साथ आए दिन मारपीट होने लगी और उसे प्रताड़ित किए जाने लगा। इस पूरे मामले को लेकर सीओ सिटी जितेंद्र दुबे ने बताया है कि कबरई के लिलवाही गांव में रहने वाले अशोक कुशवाहा की 22 वर्षीय पत्नी नर्मदा की आग से जलकर मौत हो गई है। मृतका के परिजनों ने दहेज के खातिर जलाकर मारने की शिकायत दर्ज कराई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। और बच्ची को जो है तो ये लोग लड़ते थे और जो है कहते थे कि हमको इतना इतना और चाहिए दहेज में पैसा, तो उसमें हम लोग जितना ने पहले कहा था तो हम दे चुके थे। अब और मांग रहे थे तो और कहाँ से देते, किसान लोग हैं। कौन से पैसे की मांग कर रहे हैं? नगद कैश भी कह रहे थे, 1 लाख रुपए चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, प्लस जंजीर भी चाहिए। आए दिन प्रताड़न करते थे। इन लोगों ने बच्ची को मार के जला दिया है और रात में हमको फ़ोन नहीं किया है। सुबह अन्य लोगों ने मतलब गाँव से फ़ोन हुआ तब हम लोग सुबह गाँव से निकले हैं। नदी को जो है लगभग 9 महीने हुए हैं। हाँ, उन लोगों पे FIR दर्ज करवाई कबरई थाने में। ये बात कल हम ड्यूटी से आए थे, ये बढ़िया प्रेम से खाना दिया है, उसने कह रही कि खाना खा लो और मैंने उसके सर पे हाथ फेरा, मैंने कहा बेटा अच्छी तरह रहा करो, हम भी अच्छी तरह बढ़िया जिंदगी गुजारना है। कह रही ठीक, कह रही बच के भी जाया करो क्योंकि सामने दूसरा खराब चल रहा है और साथ अनाथ निकलते बस एक्सीडेंट हो रहे बताया ठीक। फिर चले गए फिर 2 बजे 2:30 बजे जब ड्यूटी कर रहा क्योंकि नियम है ना कि 3-3 घंटे सोते हैं मशीन में क्रेशर में, सो के जगह फोन पहुंचा कह रहा है कि उसने आग लगा ली, मेरी हवा खिसक गई। क्या घर में लड़ाई झगड़ा होता? कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं, रोज प्रेम से ड्यूटी जाते, खाना बांधती, बोलते बताते सब चीज़ करते, कुछ मना भी नहीं। पत्नी नर्मदा पहले शादी हुई थी 3 मई की थी, 5 साल ये कोई जानकारी नहीं, कोई प्रेम से गए ना, हमें मना मेल नहीं था कोई कि क्या होना क्या। हाँ, आराम से गए ड्यूटी, आराम से आते हैं, रात ड्यूटी है, आज शनिवार का रेस्ट है। लिलवाही गांव थाना कबरई क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ एक महिला के मृत्यु की सूचना मिली है। चूँकि अभी शादी के लगभग 1 साल का समय हुआ है तो उसके पंचायतनामा आज की कार्यवाही कराई गई है, उसके बाद पोस्टमार्टम भी हुआ। मृतका के परिवार जनों के द्वारा तहरीर देने पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्यवाही। उत्तर प्रदेश से नानू जुबैर अहमद की रिपोर्ट।